प्रदेश के कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस पानी के टैंकर से टकरा गई। वहीं इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 19 से ज्यादा मुसाफिर घायल बताए जा रहे हैं। वहीं वहां से गुजर रहे राहगीरों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेजा है। फिलहाल मृतकों की पहचान की जा रही है और उनके परिवार वालों को सूचना भेजी जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक यह दर्दनाक हादसा कन्नौज जिले के सैरी के सकराव इलाके में हुआ है, जहां मुसाफिर से भरी डबल डेकर बस अचानक से आगे चल रही वाटर टैंकर में जा घुसी। वहीं बस और टैंकर की टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। घटनास्थल पर यात्रियों के बीच चीख पुकार मच गई। वही घटनास्थल पर आसपास के इलाकों के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। शशिधर ने बताया कि पुलिस ने सभी मुसाफिरों को स्थानीय लोगों की मदद से बस से बाहर निकाला और घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजवाया। फिलहाल सभी घायलों का नजदीक के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायलों में कई बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं इस मामले पर अधिकारियों का कुछ कहना है, वह भी सुन लीजिए। आज दोपहर लगभग 1 बजे थाना सकरावा क्षेत्र अंतर्गत लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे एक बस और एक वाटर टैंकर के बीच में एक्सीडेंट हुआ। इसमें वाटर टैंकर है, मीडियम में जो पार्किंग होती है उसको पानी डालने का कार्य कर रहा था। ये बस जो लखनऊ से आगरा की ओर जा रही थी, इसने इसको पीछे से हिट किया। सूचना प्राप्त होते ही थाना सकरावा एवं आसपास की थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंसेज को मोबिलाइज किया गया, सभी घायलों को बस से निकाला गया। तत्काल उनको सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया गया। इस दुर्घटना में 8 लोगों की मृत्यु हुई है, 19 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे यातायात की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है, किसी प्रकार का कोई जाम नहीं है। अल्टरनेट बस की भी व्यवस्था की गई है, जो अन्य बस की सवारी थी उनको उनके गंतव्य के लिए भेजा जा रहा है।